Hey guys, my name is Vinay and you watch my channel Digital Vinay. दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले मैं यहाँ पर स्पेशल थैंक देना चाहूंगा यहाँ पर मयंक जी का, उनके दोस्तों का, साथ ही साथ उनके बड़े भाई का। जी हाँ दोस्तों, इन सभी की कड़ी मेहनत के बदौलत ही पॉसिबल हो पाया कि यूपी गवर्नमेंट की तरफ से जो आपको स्मार्टफोन दिया जा रहा है या फिर टैबलेट दिया जा रहा है, जिसमें आप देख रहे होंगे कि पहले से ही डिफॉल्ट वॉलपेपर आ रहा है जिसको आप रिमूव नहीं कर पा रहे हैं। इन सभी की कड़ी मेहनत की बदौलत ही पॉसिबल हो पाया है कि आप अब अपने फोन से एक सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए, जी हाँ दोस्तों, एक सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए इस वॉलपेपर को रिमूव कर पाएंगे। तो सॉफ्टवेयर काफी 101% वर्किंग है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, डायरेक्ट जाके आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसमें मैंने किसी भी प्रकार की थर्ड पार्टी लिंक का भी यूज नहीं किया, तो आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से जाके एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर पाएंगे। और साथ ही साथ मैं इसका एप्लीकेशन का नाम को आपको भी बता दूंगा ताकि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। बेसिकली आज के इस वीडियो में मैं तीन चीजों को कवर करूंगा। सबसे पहले बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर क्या है, कि कौन सा सॉफ्टवेयर मैं यूज कर रहा हूं इस वॉलपेपर को रिमूव करने के लिए, एडिशनल फीचर उसमें कौन से ऐड कर दिए गए, क्योंकि इससे पहले मैंने इस वीडियो के बाद इस सॉफ्टवेयर के बारे में बता रखा है, तो एडिशनल फीचर कौन से ऐड किए गए उसके बारे में मैं यहाँ पे बता दूंगा। और अंत में मैं बात करूंगा जो मैंने लास्ट वीडियो पब्लिश किया था कि कैसे लॉक स्क्रीन से वॉलपेपर को रिमूव करें, क्योंकि अभी भी कई सारे ऐसे यूजर हैं जिनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है लॉक स्क्रीन से वॉलपेपर को रिमूव करने में। तो वीडियो थोड़ा बड़ा जरूर हो सकता है, लेकिन वीडियो को पूरा अंत तक देखेगा, सारे स्टेप फॉलो करेंगे तो आप वॉलपेपर रिमूव करने के साथ साथ लॉक स्क्रीन से भी वॉलपेपर रिमूव कर पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूजर थे जिनमें मैंने आपको लास्ट जो ट्रिक बताई थी, वॉलपेपर 101% सभी यूजर रिमूव कर पा रहे हैं, लेकिन लॉक स्क्रीन में हो क्या रहा है कि वो कह रहे हैं कि एक बार आपका ग्लांस का वॉलपेपर आ जा रहा है और एक बार डिफॉल्ट वॉलपेपर आ जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं वो भी चीजें आपको पूरी पूरी मेथड से एक्सप्लेन कर दूंगा कि अब आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़ते। ये वीडियो जो है एकदम लास्ट वीडियो है और इसमें सारी चीजों को मैंने कंबाइंड करके एकदम स्पेशल आप ही के लिए यहाँ पे बनाया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एप्लीकेशन का लिंक दे दिया, साथ ही साथ इस डेवलपर के भी यूट्यूब चैनल का लिंक दे रखा है, तो आप चाहें तो उन्हें भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए आपको प्ले स्टोर पर आना होगा। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है यूमो लॉन्चर। जी हाँ दोस्तों, इसे पोर्टस लैब द्वारा डेवलप किया गया है। आपको अपने फोन पे इसे इंस्टॉल कर लेना होगा। तो जैसे ही इंस्टॉल करेंगे आपको अपने फोन पे जीमेल के थ्रू इसे लॉगिन भी करना होगा। और बहुत ही 101% ये सेफ एप्लीकेशन है, इसमें किसी भी प्रकार की आपकी फोन की ना तो वारंटी जाने वाली है और ना ही किसी भी प्रकार की आपकी प्राइवेसी के साथ इसमें खेला जाएगा। अब जैसा कि देख पा रहे हैं कि मेरे जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल हो चुकी है, तो मैं यहाँ पर आ जाऊंगा, सिंपली इस एप्लीकेशन को ओपन करूंगा। ओपन करेंगे तो मेरे सामने यहाँ पर पहला इनका होम पेज आ जाएगा। होम पेज में साफ साफ इन्होंने लिख भी रखा है योगी मोदी लॉन्चर, और 100% सेफ, सिक्योर एंड ट्रस्ट वर्दी यहाँ पे ये चीजें दे रखी हैं। डिजिटल इंडिया का यहाँ पर लोगो लगा रखा है और मेड बाय पोर्टस लैब्स के द्वारा यहाँ पर दिया गया है डिटेल में। इस एप्लीकेशन को यूज करने के लिए आपको एक जीमेल आईडी जरूर चाहिए, तो अगर आपने अभी तक जीमेल आईडी नहीं बनाई है तो जीमेल आईडी जरूर क्रिएट कर लीजिएगा। बेसिकली आपने अगर प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया होगा तो जीमेल आईडी यूज ही की होगी। तो जीमेल आईडी के थ्रू मैं इसे लॉग इन कर लेता हूँ। तो जीमेल आईडी के थ्रू मैं यहाँ पे अपनी कोई सी भी एक जीमेल आईडी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और जीमेल आईडी सिलेक्ट करने के बाद मेरे सामने एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा जिसमें कई सारे वॉलपेपर आ जाएंगे। जैसे अभी यहाँ पे देखेंगे कि मेरे पास कई वॉलपेपर आ गए। यहाँ पे क्वांटिटी में अगर बात करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टोटल 8 वॉलपेपर आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। मैं आपको मेथड बताऊंगा कि इन 8 वॉलपेपर के अलावा, जैसे कई सारे ऐसे यूजर हैं जो भगवान की फोटो लगाना चाहते हैं, या फिर इन जो वॉलपेपर आपके पास दिए गए हैं इनको हटाकर अगर आप कोई और भी वॉलपेपर यूज करना चाहते हैं तो उसको भी लगाने की मैं आपको मेथड वीडियो में पूरी की पूरी एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले मैं यहां से कोई भी एक वॉलपेपर सेलेक्ट कर लेता हूं और आपको दिखा देता हूं। तो यहां पर मैंने आया, देखिए अब मेरे से पूछ रहा है कि कौन सा आप लॉन्चर डिफॉल्ट में रखना चाहते हैं। तो मैं यहां पर यूमो लॉन्चर को डिफॉल्ट में लगा देगा, और जैसे मैं यूमो लॉन्चर को डिफॉल्ट पे लगाऊंगा वॉलपेपर रिमूव हो गया। यहां तक की मेथड सब लोग इजीली कर पाएंगे, किसी भी प्रकार के किसी भी लोगों को इश्यू नहीं होगा। अब चीजें बात करेंगे कि कैसे, अभी तक मैंने बताया था कि कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करूंगा, तो मैंने आपको सॉफ्टवेयर बता दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से डाउनलोड भी कर लेंगे, आपके लिए इजी भी होगा। और डाउनलोड करने के बाद जैसे ही मैंने देखा कि वॉलपेपर सिलेक्ट किया, वॉलपेपर रिमूव हो चुका है, अब कहीं भी आपको वॉलपेपर नहीं दिख रहा है। लेकिन जब आप फोन को लॉक करते हैं उसके बाद अनलॉक जब करते हैं तो आपको यहां पर अभी भी देखने को मिल रहा होगा कि यहां पर लॉक स्क्रीन पे वॉलपेपर आ रहा है,
और मैंने आपको बताया भी है कि मैं यहाँ पे तीन टॉपिक बेसिकली कवर करूंगा कि अनलॉक भी यानी कि लॉक स्क्रीन पे भी मैं कैसे वॉलपेपर को रिमूव करूं, तो उस चीजों को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उससे पहले बताना चाहूंगा इस एप्लीकेशन में कौन से एडिशनल फीचर ऐड किए गए हैं। तो एडिशनल फीचर के लिए हम यहाँ पे यूमो लॉन्चर का जो यहाँ पर आइकन बनकर आ रहा है एक बार उस पर फिर से क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारे ऑप्शन आ गया, चेंज वॉलपेपर का आ चुका है और नीचे की ओर ऐड शॉर्टकट पेज का है, रिमूव शॉर्टकट पेज का है, कई सारे यहाँ पर टैब बनाए गए। तो सबसे पहले यहाँ पे जो शेयर यूमो लॉन्चर इस पे आपको इस वाली टैब पे क्लिक करना होगा, यहाँ पे यानी इस वाले आइकन पे आपको क्लिक करना होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस आइकन पे क्लिक करने के बाद ही आपने 8 वॉलपेपर वहां पे देखे थे, इसके बाद वहां पर 16 वॉलपेपर और अनलॉक हो जाएंगे जो कि काफी ज्यादा अच्छे भी हैं और कई सारे वैरायटी में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहां पर देखिए हमसे कह रहा है कि 3 लोगों में आपको इसमें शेयर करना रहेगा, तो मैं यहाँ पर शेयर यूमो लॉन्चर पर आ जाऊंगा और इसके बाद मेरे से कह रहा है फ्रेंड सर्कल में आपको शेयर करना है। तो मैंने फ्रेंड सर्कल चाहे मैं एक ही बंदे को 3 बार भेज दूं या फिर मैं अलग अलग किसी भी बंदे को भेजूं, तो मैं यहाँ पे आता हूं और मैं 3 बार इस एप्लीकेशन को शेयर कर देता हूं। और एक बार मैंने एक बार शेयर कर दिया है और उसके बाद मैं आता हूं फिर से एक बार मैं और आऊंगा और फिर से मैं यहां पर शेयर करूंगा और एक बार मैं फिर से आऊंगा, 2 बार मेरा हो चुका है और एक और बार मुझे यहां पर शेयर यूमो लॉन्चर पे आ जाना होगा। मैंने बेसिकली यहाँ पे 3 बार यहाँ पे एप्लीकेशन को शेयर करके दिखा दिया। जैसे अब आप देखेंगे कि यूमो लॉन्चर पे जो मेरा क्रेडिट है बैलेंस वो 15 पॉइंट हो गया है। 15 पॉइंट जैसे ही हो पाएगा तो यहाँ पर आप चेंज वॉलपेपर पे आपको क्लिक करना होगा। चेंज वॉलपेपर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो मैंने आपको बताया था पहले 8 वॉलपेपर थे लेकिन अब आपके सामने कई सारे वॉलपेपर और ओपन हो चुके हैं, जैसे कि नेचर के आ चुके हैं और ताजमहल का है और यहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 यहाँ पे वॉलपेपर गॉड के भी हैं जिसमें दुर्गा माँ है, शंकर जी हैं और गणेश जी हैं, जिसमें से जो सबसे बेस्ट मुझे वॉलपेपर लगता है गणेश जी का लगता है। गणेश जी पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर दूंगा और आप देखेंगे कि आप जो वॉलपेपर है डिफॉल्ट वॉलपेपर की जगह पे यहाँ पे गणेश जी का वॉलपेपर आ चुका है। तो मैंने देखिए आपको एप्लीकेशन के बारे में बता दिया है और कैसे मैं और ज्यादा वॉलपेपर को यूज कर पाऊंगा। जैसे ये काफी अट्रैक्टिव वॉलपेपर है, आप चाहें तो इस वॉलपेपर को भी यूज कर पाएंगे। तो मैं आपको मेथड भी बता दिया हूं कि कैसे एडिशनल फीचर को भी आपको ओपन करना है। तो मैं आपको सबसे पहले सलाह दूंगा कि आप इनके YouTube चैनल पे जाके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि बेसिकली जो इनका ये एप्लीकेशन है अभी आप देख रहे होंगे कि ना तो ये किसी भी प्रकार के आपसे चार्जेस ले रहे हैं एप्लीकेशन को यूज करने के लिए, ना ही किसी प्रकार की एप्लीकेशन पे एड आ रही है, तो इनकी अर्निंग वहां से बिल्कुल ही नहीं हो रही। तो आपको कैसे सपोर्ट करना है इनके यूट्यूब चैनल को प्रमोट करते हुए, कैसे आप इनके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मैंने आपको दोनों चीजें बता दी, एप्लीकेशन क्या है और कैसे एडिशनल फीचर को यहाँ पर अनलॉक करना है। अब अंत में बात कर लेते हैं कि लॉक स्क्रीन से कैसे हम वॉलपेपर को रिमूव करेंगे। इसके लिए मुझे सिंपली अपने सेटिंग वाले ऑप्शन पे आ जाना होगा। सेटिंग वाले ऑप्शन पे आने के बाद आपको लॉक स्क्रीन का जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आएंगे। लॉक स्क्रीन पे आने के बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे कि देखिए स्क्रीन लॉक स्वाइप वाला है, आप चाहे तो स्वाइप वाले लॉक स्क्रीन के ऑप्शन के यहाँ पे आप नन को सिलेक्ट कर लेते हैं। नन को जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अब ये मेरा जो वॉलपेपर है, इसके बाद मैं इसको लॉक करता हूं, रुक जाइए, ये लॉक किया, इसके बाद मैंने अनलॉक किया, देख सकते हैं कि वॉलपेपर अनलॉक किया, अनलॉक किया, लॉक किया, अनलॉक किया। आप देख सकते हैं कि किसी भी प्रकार का यहां पर मेरे को नहीं आ रहा है वॉलपेपर। तो ये सिंपल मेथड है और आप चाहते हैं कि ग्लैंस के इसमें वॉलपेपर भी आए तो इसमें आप अपना कोई भी पासवर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। जब मान लीजिए कि आप फिंगर पासवर्ड यूज कर लीजिए वो भी काफी अच्छा वर्क करने वाला है। तो मैंने जो आपको मेथड है जिसमें मैंने आपको बता दिया है सिंपली सिंपल मेथड बताया, मैंने आपको लॉक स्क्रीन वाला भी मेथड नहीं बताया, नहीं तो वो भी वर्क करता है काफी अच्छा, लेकिन मैंने आपको बताया कि लॉक स्क्रीन पे आना है। लॉक स्क्रीन पे आने के बाद आपको स्क्रीन लॉक टाइप पे आपके आने के बाद आपको नन कर देना है। नन पे आने के बाद जैसे ही आप कर देंगे, आप चाहे आप जितनी बार क्लिक करिए, देखिए क्लिक करा, जैसे ही दोबारा क्लिक किया अनलॉक हो चुका है और यहाँ पे किसी भी प्रकार से यूपी गवर्नमेंट का लोगो नहीं आ रहा है, किसी भी प्रकार का वॉलपेपर नहीं आ रहा है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो को बिल्कुल अंत तक आपने देखा होगा तो ये सारी चीजें आप प्रोसेस को कर पाएंगे। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में भी शेयर करिएगा। धन्यवाद।